हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कैपिटल गुड सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये एक वीकली चार्ट है। और अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा जो कि हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 162 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल। 162 रुपए के इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है, और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं दिया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम बात करें 162 रुपए के इस रेजिस्टेंस लेवल की, तो ये लेवल लास्ट टाइम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो देखा गया था ये देखा गया था 12 फरवरी 2018 को, और लगभग 3.5 साल बाद जाकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा, जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके आने वाले टारगेट्स की, तो उसके लिए सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर फिबोनाची को प्लेस कर देता हूँ। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, मैंने चार्ट के ऊपर फिबोनाची को प्लेस कर दिया है। और अब अगर हम फिबोनाची की मदद से इसके आने वाले टारगेट्स को एस्टीमेट करें, तो जो सबसे पहला टारगेट इसके अंदर निकल कर आता है वो निकल कर आता है लगभग 203 रुपए का लेवल, और जो दूसरा टारगेट इसके अंदर निकल कर आता है वो निकल कर आता है लगभग 228 रुपए का लेवल। तो 203 और 228 ये दो टारगेट्स हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 174.95 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, लगभग 3.80 रुपए ऊपर। परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.22% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 171.15 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 171.15 रुपए के ऊपर ही, हाई ये बना था 175.90 रुपए का, और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 170.85 रुपए का। अगर हम नीचे देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52-वीक हाई बनाया था जो कि लगभग 175.90 रुपए का हाई था। अगर हम इसको नीचे स्क्रोल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 2,37,99,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 47,44,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 19.94% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी उस ब्रेकआउट के बारे में जो कि हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट के ऊपर देखने को मिला है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।